सो ये क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2017 अटेम्प्ट के अंदर, डीलिस्टिंग का क्वेश्चन था, और ये डीलिस्टिंग के बेयर एक्ट जो था वहाँ से पिक किया गया है। अब यहाँ पर देखो, आपको बता रहा है कि एबीसी लिमिटेड इज़ अ कंपनी वोज इक्विटी शेयर इज लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड इज सीकिंग टू डीलिस्टिंग ऑफ इट्स इक्विटी शेयर फ्रॉम बोथ द रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। अब जब भी आप किसी शेयर को डीलिस्ट करवाते हो स्टॉक एक्सचेंज से, तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी होगी। एक तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये होता है अंडर रिवर्स बुक बिल्डिंग, एक तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, रिवर्स बुक बिल्डिंग के अंदर आपको क्या दिया जाएगा, एक फ्लोर प्राइस दिया जाएगा, करेक्ट। अब ये जो फ्लोर प्राइस है, ये फ्लोर प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? दिस फ्लोर प्राइस इज डिटरमाइंड एज पर टेक ओवर रेगुलेशन, करेक्ट। तो टेक ओवर रेगुलेशन के अंदर रेगुलेशन 8 है जिसके बेसिस पे आपका क्लोजिंग प्राइस जिसके बेसिस पे आपका फ्लोर प्राइस कैलकुलेट होता है। एक बार ये फ्लोर प्राइस आ गया, फिर आप क्या करते हो, आप बिड्स मंगवाते हो। अब आप जो भी यहाँ पर बिड्स मंगाओगे, दोज बिड्स शुड मेक द स्टेक ऑफ द अक्वायरर और द प्रमोटर टू 90%, करेक्ट। अब आप इस क्वेश्चन में देखो, प्रमोटर के पास ऑलरेडी 75% शेयर होल्डिंग है, उसके पास ऑलरेडी 75 लाख है, तो उसको 75% से और कितना चाहिए, उसको और 15% शेयर्स चाहिए, बिकॉज दैट विल मेक हिज होल्डिंग एट 90%, और 90% जिस प्राइस पे हिट हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, आपका फाइनल ऑफर प्राइस। अब आप देखो 15% के लिए इसको कितने शेयर्स चाहिए होंगे, तो आप देखिए ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर आपको दिए हुए 1 करोड़, ये 1 करोड़ का 15%, यानी कि आपको इन 25 लाख में से कितने शेयर्स का मिनिमम बिड चाहिए, आपको 15 लाख का बिड चाहिए। 15 लाख का बिड आपको जिस प्राइस पे मिल गया वो आपका क्या बन जाएगा, फाइनल ऑफर प्राइस। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो आप देखो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ बिड्स आए। अब ये जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स है, इससे आपको कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि आपको पूरा का पूरा दो ही चीज़ों को देखना है, एक तो बिड प्राइस और दूसरा डिमांड, किस प्राइस पर कितना डिमांड आया। तो आपको ₹550 के ऊपर टोटल 250,000 शेयर्स का डिमांड आ गया, तो आपका क्यूमुलेटिव डिमांड अभी भी कितना है, 250,000, जबकि आपको कितना चाहिए, 15 लाख शेयर्स। फिर आपको ₹565 पे और 4 लाख शेयर्स आ गए, तो आपका क्यूमुलेटिव डिमांड कितना हो गया, 6,50,000। फिर आपको ₹575 पे और 2 लाख शेयर्स का बिड आ गया, तो आपका टोटल बन गया 8,50,000। अभी भी आप 15 लाख के लिमिट को नहीं पहुंचे हो। फिर यहाँ पे ₹585 पे आपको और 4 लाख शेयर्स का बिड आ गया, सो अब आपका टोटल अमाउंट जो बन गया, दिस इज 12,50,000। फिर आपको ₹595 पे और 1,20,000 का बिड आया, सो दिस बिकम्स 13,70,000। फिर आपको 1,30,000 शेयर का और बिड आ गया, और यह आ गया आपका टोटल 15 लाख। तो इस समय एट ₹600 आपका क्यूमुलेटिव जो निकल के आ रहा है वो कितना आ गया, 15 लाख शेयर्स। सो आपका जो डीलिस्टिंग प्राइस होगा, दिस विल बी व्हाट, ₹600। सो ₹600 इज योर फाइनल ऑफर प्राइस, क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर का स्टेक कितना हो जाएगा, टोटल 90%। उसके पास ध्यान रखना ऑलरेडी 75 लाख शेयर्स थे और 15 लाख शेयर्स आपको मिल गए, और ये बन गया आपका टोटल 90 लाख। और ये 90 लाख कौन से प्राइस पे बनता है, ये बनता है ₹600 पे। सो ₹600 इज योर फाइनल ऑफर प्राइस।